अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि इससे पिछली वीडियो पे आप लोगों ने देखा था, ये जगह मैंने आपको दिखाई थी, ये जगह ऐसे सजी सवरी हुई थी। तो कल यहाँ पर वलीमा हुआ था, तो आज सुबह शाम हो चुकी है, फ्राइडे का दिन है और यहाँ से सारी चीज़ें हटा दी गई हैं और ये जगह खाली खाली लग रही है। और आज हम पहली बार जा रहे हैं भाभी के साथ बाहर घूमने। तो फ्राइडे है आज, अब जाहिर सी बात है सब लोग जाते हैं घूमने। तो भाभी ने प्लान बनाया था कि साथ में जाएंगी घूमने और उन्होंने कहा है कि वो आइंदा भी हमें ले जाएंगी किसी जगह पर। और मगरिब हो चुकी थी, हम लोग यहाँ मगरिब के वक्त पहुँच गए थे और ये है अजमान फेस्टिवल लैंड, जो कि बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। मैंने सो रही थी, रात की थकावट थी, फिर रात को तो सोए थे ना, फिर सुबह भी उठे, ऐसे थकन थकन थी, मैं सो गई थी। फिर मैं उठी और तैयार होकर यहाँ चले गए। भाभी भी सो रही थी, वो भी उठकर सीधा यहाँ पर आ गई। हम लोग तो यहाँ पर फेस्टिवल लगा हुआ है, यहाँ पर फेस्टिवल हमेशा ही लगा ही होता है, लेकिन कुछ होते हैं स्टॉल जो लगते हैं और ये स्टॉल लगे थे 10 दिन के लिए और आज इनका नहीं, कल इनका लास्ट डे था। तो उन्होंने कहा कि कल लास्ट डे है इनका। तो यहाँ पर पाकिस्तानी स्टॉल थे कपड़ों के, इंडियन स्टॉल थे और फूड वगैरह स्टॉल थे, जहाँ पर चना चाट वगैरह मिल रहे थे। और इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ वीडियोज़ बनाई ताकि मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूँ कि हम लोग कहाँ गए थे घूमने। ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो यहाँ पर भाभी अपने लिए अबाया देख रही थी और भाभी ने यहाँ से अपने लिए 2 अबाया ख़रीदे, पर भाभी ने आउटसाइड से नहीं ख़रीदे, भाभी ने इनसाइड से ख़रीदे। आउटसाइड पर भी जगह है शॉपिंग की, इनसाइड भी है, पर इनसाइड आई थिंक खाने वगैरह नहीं मिलते, बाहर साइड कपड़े भी मिलते, खाने भी मिलते। और चले मैं आपको अंदर चलती हूँ, यहाँ पर ज्वेलर्स मिलती है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ मिलता है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने वीडियो कुछ चेंज करूँ, प्लीज़ खुदा का वास्ता मुझे एडवाइस दीजिए। मैं न्यू हूँ, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है किस तरह से वीडियो बनाई जाती है, किस तरह से बात की जाती है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे एडवाइस दीजिए मैं किस तरह के वीडियो बनाऊँ और मैं क्या करूँ। मैंने बहुत से लोगों से इस बारे में हेल्प भी मांगी है, मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे शॉर्ट आउट दे दें, पर किसी ने भी मदद नहीं की। ये सिर्फ जो लोग बोलते हैं ना वीडियो पर कि हम लोगों की मदद करते हैं, न्यू यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ वीडियो पर व्यूवर्स लाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, ये किसी की मदद नहीं करते। अगर ये किसी की मदद करते हैं तो तभी मदद करते हैं जब ये किसी को पैसे दे रहे होते हैं या किसी को राशन दे रहे होते हैं, तो कहते हैं कि देखो हम लोगों की मदद कर रहे हैं। मदद करने के कई सारे तरीके होते हैं। अगर आपसे कोई शॉर्ट आउट की मदद मांगता है, आप वहाँ पर भी इनको मदद कर सकते हैं शॉर्ट आउट देकर। अब मैं उन लोगों से कहूँगी जो किसी को राशन लेकर देते हैं, पैसे देते हैं और वीडियो बनाते हैं ना, मैं उनसे ये कहूँगी कि ये सिर्फ दिखावा होता है, ये मदद नहीं होती। और यहाँ पर ना सोफ़े थे जो बहुत ही अच्छे थे, जितने ज़्यादा ये अच्छे थे ना उतनी ही ज़्यादा इनकी प्राइस थी, मैं क्या बताऊँ। भाभी ने भी 3-4 सोफ़े की प्राइस पूछी थी, उन्हें अच्छे लगे थे इनका, वो पूछ रही थी बार बार। ये हर कलर में थे, इंशाल्लाह कभी हम भी लेंगे। और ये बर्तन, इस तरह के बर्तन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं जानती हूँ ये डेकोरेशन के बर्तन हैं। जो हमारे ड्राइंग रूम का सोफ़ा है ना, वो नेवी ब्लू है, तो मेरे जहन में है कि मैं इस तरह का कोई डेकोरेशन करूँ। तो मैं वीडियो का एंड यहीं करती हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल या परसों अपलोड करूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तब तक आप ये म्यूज़िक एंजॉय कीजिए। बाय बाय। लोग